امام زامن، امام ہشتم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابن موسی رضا کی آمد آمد پہ ہدیہ مبارکباد سبھی مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام مومنین کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے گڈو بھائی کی توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائیں، جنہوں نے اتنی حسین اور بہترین محفل سجائی ہے۔ میرے برادر بزرگ جناب نایاب ہلوری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی شفقتیں سبھی شعرا پہ بیک وقت رہی ہیں اور یہ ہم لوگوں کے محسن بھی ہیں۔ میں ان کے لیے خصوصی طور پہ اس جشن کے حوالے سے سبھی مومنین کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ منقبت کی کائنات کا ایک عظیم سورج ہے جو ہمارے سامنے چمک رہا ہے، پروردگار ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ بہت سارے سفر ہم لوگوں نے ایک ساتھ ایران کے کیے ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کے۔ میں چند اشعار امام رضا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں، بطور خاص صابر بھائی خاص طور سے دیکھیے گا، نائب بھائی۔ چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، نائب افام بھائی، غریب ہو
करीब हो के भी ठोकर में ताज रखते हैं। बता रहे खास, गरीब हो के भी ठोकर ताज रखते हैं, गरीब हो के भी ठोकर में ताज रखते हैं, तेरे फकीर भी शाही मिजाज रखते हैं, तेरे फकीर भी शाही मिजाज रखते हैं। अब ये दो मिसरे जो ज़ायरीन मशहद हैं वो बखूबी जानते हैं, ये दो मिसरों की तायद फरमाएंगे बतौर ख़ास। तेरे फकीर भी शाही मिजाज रखते हैं, बता रहा है ये मौला रिजा का दस्तरखा, ये अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखते हैं, ये अपनी मुट्ठी में। और मौला सलामत रखे आपको, सलावात एक बावाज बलंद सलावात इरशाद फरमाए। ये अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखते हैं, तेरे फकीर भी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हजरात, इस जश्न का उन्वान जो है वो आपने देखा होगा, जश्न मोइनुज़्ज़ुआफ़ा, यही उन्होंने है भाई। इसकी रियायत से मैंने चार मिसरे कहें, मुलाजा फरमा लीजिए बतौर ख़ास। मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमाए, थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई चाहते हैं बतौर ख़ास। चार मिसरे। एहसान है गरीबों का, एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, खास तौर से एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, गरीबुल गुरबा का एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, गरीबुल गुरबा का एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, दरवाजा खुला रहता है हम सब पाता का, हम सब पाता का एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, गरीबुल गुरबा का एहसान है गरीबों पर गरीबुल गुरबा का, दरवाजा खुला रहता है हम सब पाता का, हम सब पाता का। अब ये दो मिसरे मुलाजा फरमाइएगा कि दुनिया कितनी कोशिशें कर रही हैं
मिटाने की मौला के चाहने वालों को और ख़ास तौर से ईरान को। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, गुड्डूबाई देखिएगा ख़ास तौर से। क़िबला नायब भाई, एहसान है गरीबों पा गरीबुल गुरबा का दरवाज़ा खुला रहता है हम सब पता का, हम सब पता का। ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए। शद्दू भाई देखिएगा, ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए। ना भाई, ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए। कमजोरों पर साया है मोइनुज़ुअफ़ा का। ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए। ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए। कमजोरों पसाया है मोइनुज़ुअफ़ा का। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशआर मौला इमाम रज़ा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। एक सलावत और इरशाद फरमाएं बाआवाज़। जश्ने रज़ा में जज्बे अकीदत लिए हुए, खास तौर जश्ने रज़ा में जज्बे अकीदत लिए हुए। जश्ने रज़ा में जोशे अकीदत लिए हुए। जश्ने रज़ा में जोशे अकीदत लिए हुए। आए हैं हम भी जज्बे मिदहत लिए हुए। आए हैं हम भी जज्बे मिदहत लिए हुए। अब यहाँ से शेर दुबई देखिएगा खास तौर से, कि तस्वीर तेरे रोज़े की इतनी हसीन है। मौला के जायरों की खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास, कि तस्वीर तेरे रोज़े की इतनी हसीन है। तस्वीर तेरे रोज़े की इतनी हसीन है। सब आईने खामोश है हैरत लिए हुए। सब आईने खामोश है हैरत लिए हुए। शेर पेश किया मैंने, तस्वीर तेरे रोज़े की इतनी हसीन है। सब आईने खामोश हैरत लिए हुए। अब ये शेर ख़ास तौर से, कि क्या महसूस करते हैं जब आप मशहद में होते हैं, मुलाहज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। गुड्डू भाई दुआ गो हैं कि मौला जल्द से जल्द उस दहलीज पर जाने की तौफीक अता फरमाए। मौला जल्द से जल्द हालात बेहतर हो जाए। सब तड़प रहे हैं मौला के ज़ाहिरी। शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास, तस्वीर तेरे रोज़े की इतनी हसीन है। सब आईने खामोश हैरत लिए हुए। अभी शेर देखिएगा, किया कर तेरे दयार में महसूस ये हुआ। क्या महसूस करते हैं आप, आकर तेरे दयार में महसूस ये हुआ। ना भाई,
आके तेरे दयाल में महसूस ये हुआ, मशहद है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए, मशहद है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए, मशहद है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए। अब ये देखिएगा, इस दर पे सोना जागना, इस दर पे सोना जागना दोनों सवाब है, दोनों सवाब है। इस दर पर सोना जागना दोनों सवाब है, दोनों सवाब है। इस दर पे सोना जागना दोनों सवाब है, हर एक कदम है रंगे इबादत लिए हुए, हर एक कदम है रंगे इबादत लिए हुए। मशहद है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक मतलब और दो तीन शेर और मुलाजा फरमाए बतौर खास। एक सलवात और इरशाद फरमाए बाबा जी। खास तौर से सभी मद्दहान अहले बैत की जानिब से ये मसला पेश कर रहा हूँ, दो तीन शेर हैं, उसके बाद एक मनखबत के दो तीन शेर और पेश करूँगा जनाब मासूमा की बारगाह में, मौला रजा की बारगाह में। सलावत पढ़ें एक बावाज़ बुलंद और बतौर खास मतला बराए मतला। मद्दहों पे अल्लाह का, मद्दहों पे अल्लाह का एहसान बहुत है। इफ़ाम भाई खास तौर से नायब भाई। मद्दहों पे अल्लाह का एहसान बहुत है, बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है, बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है, बख्शिश के लिए मदह का। अभी शेर देखिएगा यहां से, कि बहलोल की सूरत दरे मौला पचले आओ, बहलोल की सूरत दरे मौला पचले आओ, जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है, जन्नत की तिजारत यहाँ बहलोल की सूरत दरे मौला पा चले आओ, बहलोल की सूरत दरे मौला पर चले आओ, जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है, जन्नत की तिजारत यहाँ। अब शेर मुलादा कीजिएगा बतौर खास, आपकी खसूसी तवज्जो का तालीम मुलादा कीजिएगा।
بطور خاص کہ شبیر کے لشکر کی شبیر کے لشکر کی حفاظت میں ہے ایران بڈوئے شبیر کے لشکر کی حفاظت میں ہے ایران ہے ملک تو چھوٹا سا مگر جان بہت ہے ملک تو چھوٹا سا شبیر کے لشکر کی حفاظت میں ہے ایران ہے ملک تو چھوٹا سا مگر جان بہت ہے ملک تو چھوٹا سا بڈو بھائی شیر دیکھیے گا کہ بس شرط یہی ہے کہ خمینی کی طرح ہو دوسرا مصرع بس شرط یہی ہے کہ خمینی کی طرح ہو باطل کے لیے ایک مسلمان بہت ہے باطل کے لیے ایک مسلمان بہت ہے باطل کے لیے ایک مسلمان بہت ہے اب یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص مولا رضا کی محفل ہے کہ دنیا میں کرا دی ہمیں جنت کی زیارت دنیا میں کرا دی ہمیں دنیا میں کرا دی ہمیں جنت کی زیارت اے مولا رضا آپ کا دالان بہت ہے اے مولا رضا آپ کا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد ہے ملک تو چھوٹا سا مگر جان بہت ہے مصرع تھا اے والیے مشہد تیرا احسان بہت ہے مصرع لگایا گڈو بھائی ملاحظہ کیجیے گا خاص طور سے کہ بھک منگے مسلمان چکائیں گے کہاں تک بھک منگے مسلمان چکائیں گے کہاں تک اے والی مشہد تیرا احسان بہت ہے اے والی مشہد تیرا بھک منگے مسلمان چکائیں گے کہاں تک اے والی مشہد تیرا احسان بہت ہے آباد عزا خان ہے آباد عزا خان ہے زینب کے کرم سے آباد عزا خان ہے زینب کے کرم سے آباد عزا خان ہے زینب کے کرم سے باطل کا محل آج بھی ویران بہت ہے
का महल आज भी। सलवात पढ़ो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हजरत आखिरे कलाम में सिर्फ एक मतलब, दो तीन शेर, वो भी इमाम रजा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाया बतौर ख़ास। बेताब भाई, मैंने जब सोच करूं शाह खुरासान की बात, 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 आयतें करने लगी बोलते कुरान की बात, आयतें करने लगी बोलते कुरान की बात। शेर मुलादा करें के मिंबरे मद है रजा पर हूं मैं जलवा फरोज, के मिंबरे मद है रजा पर हूं मैं जलवा फरोज, मुझसे छेड़े न कोई, मुझसे छेड़े न कोई तख्त सुलेमान की बात, मुझसे छेड़े न कोई तख्त सुलेमान की बात। ये भी शेर देखिएगा कि मिदहते जामिने आहू कोई आसान नहीं, ना भाई बेटा भाई, के मिदहते जामिने आहू कोई आसान नहीं, मिधाते जामिने आहू कोई आसान नहीं, दोस्तों से हते वाजिब में है इमकान की बात, दोस्तों सर गदे वाजिब में है इमकान की बात। आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम, मुलाजा फरमाए कि दोनों कुरान की तिलावत का मजा देते हैं। भाई बतौर खास कि मौला रजा का जिक्र हो और जनाब मासूमा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है, मुलाजा कीजिएगा कि दोनों कुरान की, दोनों कुरान की तिलावत का मजा देते हैं, दोनों कुरान की तिलावत का मजा देते हैं, जिक्र मासूम है कुम शाह खुरासान की बात, जिक्र मासूम है कुम शाह खुरासान की बात। जो मौला रजा के मेहमान होते हैं उनका क्या मर्तबा होता है, ये आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम। क्या मुस्कुरा कर यही कहती है जमीने मशहद, क्या मुस्कुरा कर यही कहती है जमीने मशहद, अर्श पर होती है मौला तेरे मेहमान की बात, अर्श पर होती है मौला तेरे मेहमान की बात, जिक्र मासूम मैं कुम शाह खुरासान की बात। नारा हैदरी, बाबा जबलन, नारा सलावत।